अपनों से की जाती है और बार बार, एक बार नहीं सैकड़ों बार विनती की गई, प्रार्थना की गई, बाल हट किया गया माननीय जी से, किंतु लगता है उन्हें हमारी पीड़ा दी। मंत्री जी का फोटो लगा के ट्वीट हुआ कि अनुदेशकों के अच्छे दिन आ गए और इनको 17,000 रुपया मिलेगा। आज लगभग 6.5 साल होने जा रहे हैं, आज तक ये सरकार हमारा 17,000 नहीं दी। हमने इलाहाबाद जीता, सिंगल बेड जीता, डबल बेड जीता, अब सुप्रीम कोर्ट ने भी 14 अगस्त को कहा इस सरकार को कि आप डबल। आज तो ये लोग आए हैं, इनसे बात करिए आप, ये जैसा कहेंगे, ये कहेंगे तो प्रेसिडेंट के दरवाजे पर 9,000 कैसे कोई देगा यार, कैसे कोई 9,000 देगा, इनसे बात करिए। करा के गांधी का मुल्क बनना चाहती है और हम गांधी को कत्ल करते हैं, हम गोडसे को दफन करने आए हैं, हम गोडसे को पूरी तरह दफन करेंगे। ये गोडसे ही है कि 9,000 रुपया वेतन मिलता है शिक्षक को, कौन बेईमान 9,000 रुपया वेतन देता है यार, कौन देता है? और कहाँ लिखा है संविधान की किताब में, कॉन्स्टिट्यूशन की बुक में कहाँ लिखा है? जोड़ करके कि का चुप साध रही बलवाना, कि आप समर्थ हैं और आप इस पीड़ा को कब समझेंगे, क्योंकि अब तो आवाज भी मत। चिकित्सा न्याय इसने निगल लिया है, मनुष्यता निगल लिया है, शिक्षा चिकित्सा न्याय तुम हमारा क्यों लेते हो, फ्री कर दो, हम फ्री पढ़ना चाहते हैं। और तो कह रहे हैं कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मैं दे रहा हूँ प्रति वर्ष, झूठ। इस देश का प्रधानमंत्री मैं प्रकार, जाइए गरीबों के बच्चों को देखिए, एक बेटी आई हुई है अपना बेटा लेके, उधर बेटा खेल रहा है, एजुकेशन करने आई है, ये माँ मनुष्यता है, बेटा 5-6 साल का है, कैसे किसी ने किसी की हुकूमत को नहीं नजर आ रहा है, हुकूमत। जय हिंद, आप देख रहे हैं ABC हिंदुस्तान और मैं हूं कुमार बबलू। अभी हमारी उपस्थिति गोरखपुर में है और आप हमारे पीछे देख पा रहे हैं कि गांधी प्रतिमा के पास कुछ शिक्षक धरना दे रहे हैं। पूरा देश आज गांधी जी की जयंती मना रहा है, लेकिन इनको क्या परेशानी हो गई भाई कि ये धरने पर बैठे हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करते हैं कि क्या इनकी प्रमुख मांगे हैं। सर, क्या समस्या आ गई कि आज गांधी जयंती पूरा देश मना रहा है और आपको आज धरने पे बैठना पड़ा? देखिए, मैं आपको पता है, आपके चैनल को और लगभग पूरे देश को, प्रेसिडेंट को भी पता है, क्योंकि महंगाई और गरीबी दो चीज़ ऐसी हो गई है कि मनुष्यता का पतन कर दी है। महंगाई क्राइम का रूप ले चुकी है और मैं बार बार कह रहा था, ज्ञापन दे रहा था, ये नहीं मान रहे थे, इनको मैं एक और ज्ञापन आज देने आया था, ज्ञापन 3 बजे कमिश्नर के थ्रू जाना है प्रेसिडेंट को, अभी कोई जो भी नोडल होगा सिटी मजिस्ट्रेट या उनके प्रतिनिधि आएंगे लेने। जब मैं यहाँ आया तो मैं पहले पहुँचा था, तब तक देखा ये लोग भाई बंधु आ गए, एक बैनर लगाए उत्तर प्रदेश बेसिक अनुदेशक संघ का। अब इनको, हमको पता चला है कि ये 9,000 रुपये इनको वेतन दिया जाता है। मैं यही पूछना चाहता हूँ कि कौन सा ऐसा क्लूर है 9,000 रुपये क्यों देता है, मैं इतनी सी बात पूछने, मेरा जो उद्देश्य था वही, मैं तब से मैं ये सोच रहा था कि ये 9,000 का क्या है, ये भीख क्यों दे रहा है, पहले बताए हुकूमत भीख क्यों दे रही है, ये सभी यंग बैठे हैं, ये बेटियां बैठी हैं तो उनके बराबर काम करती हैं, 9,000 रुपये किस बेईमान ने, किस क्रूर ने, किस जुर्मकार ने 9,000 रुपये वेतन तय किया है पहले, मैं ये आपसे पूछना, चैनल के माध्यम से मैं अथॉरिटी से पूछना चाहता हूँ। और जब माननीय मुख्यमंत्री ने गोरखपुर में शायद या जब भी 17,000 का ऐलान किया, 17,000 भी भीख है, 17,000 पे मान क्यों गए, क्यों 17,000 पे मान गए, क्यों 17,000 कोई देगा, पूरा वेतन दे जितना वेतन शिक्षकों को दिया जाता है जब रखा है तो ये आज ये बैठे हुए हैं और ये बेईमानों की गाड़ियां अभी आई थी, ये सांसद को और विधायक को, ये सांसद और विधायक हिंदुस्तान के लुटेरे, उन्हीं के वजह से तो आज इस हिंदुस्तान की ये दशा है। 5-6 गाड़ियों से आए हुए थे, उनकी कर्म खत्म, लाखों की गाड़ियों में उनकी गाड़ियों में लाखों का तेल फूंका गया है और ये पेटे आधे नंगे पेट अध्यापक जो है, जो सृजन है, जो समाज का बनाने वाला है, जो 8 घंटे पढ़ाने का काम कर रहा है, उसको तुम कौन 9,000 देता है। मैंने कहा इन लोगों से कि चलिए जिसकी हुकूमत का ये चरण, 9,000 क्यों कोई देगा, मैं आपके चैनल से पूछना चाहता हूँ कि क्यों 9,000 वेतन कोई देगा, क्यों भीख देने की कोशिश कर रहा है, उसके बाप का मुल्क है, टैक्स हम देते हैं, मुल्क टैक्स देता है कमा के, 9,000 क्यों शिक्षा को देता है, सड़क दरवाजे क्यों बनाता है, एरोप्लेन क्यों हमारे सिर पर देता है, शिक्षा का पतन क्यों कर रहा है, भीख लेगा मास्टर, 9,000 में मास्टर पढ़ाएगा, कौन बेईमान ऐसा करता है इस देश का, हुकूमत का, जालिम जल्लादों की सरकार, उनसे सीने पर चढ़ के पूछिए आप लोग कौन देता है। सरकार तो कह रही है कि जो
व्यवस्थाएं हैं वो सुचारू रूप से चल रही हैं। कौन लेकिन सुचारू रूप से चल रही है? इन बेईमानों के पीछे 100 गाड़ी दौड़ती है, हूँ वहाँ करते चलते हैं ये बेईमान। एक एक बेईमान के ऊपर 2.5 करोड़ का एक एक दिन का सिक्योरिटी का खर्च है। यही सुव्यवस्थित व्यवस्था चल रही है? पेट की अतड़िया तूने काट ली है। 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज में जीवन का तलाश कर रहे हैं। कौन बेईमान कहता है जी? कौन बेईमान है साहेब उल्क का कहता है? ये सब क्रिमिनल है, ये सब क्रिमिनल है इस हिंदुस्तान के, जो हिंदुस्तान के लोगों की अतड़ियों को निकाल रहे हैं। 5 किलो राशन पर हिंदुस्तान का 80 करोड़ आदमी बिलबिला के जीवन जी रहा है। 23 करोड़ कुपोषित हो चुका है। जाइए गरीबों के बच्चों को देखिए, एक बेटी आई हुई है अपना बेटा लेके, उधर बेटा खेल रहा है, एजुकेशन करने आई है। ये माँ मनुष्यता है, बेटा 5-6 साल का है, कैसे किसी ने किसी की हुकूमत को नहीं नजर आ रहा है? हुकूमत को तोड़ के रख दूंगा यदि किसी की नज़र नहीं खुली तो, मैं आपको विश्वास। कौन कहता है अच्छा से चल रहा है? जब तुम हमारा कत्ल कर दोगे तो सब अच्छा ही अच्छा है, तुम हमारे पेट की अतड़ी निकाल लो सब अच्छा ही है। तूने सारी पैसेंजर गाड़ियां रद्द कर दी, तूने मेल एक्सप्रेस गाड़ियां बंद कर दी, गरीबों के लिए तुम एक वंदे भारत चलाए, उससे चलेगा काम? हम 800 रुपये में लखनऊ क्यों जाएंगे? और कहाँ मेरे पास 800 रुपये है, मैं 120 रुपये की गाड़ी में जाना चाहता हूँ। तुम हिंदुस्तान को चंद लोगों के लिए बनाना चाहते हो? आप क्या कौन सा व्यवस्था अच्छी चल रही है? किसने कहा कि अच्छी चल रही है यार? यह शिक्षा चिकित्सा न्याय इसने निगल लिया है, मनुष्यता निगल लिया है। शिक्षा चिकित्सा न्याय तुम हमारा क्यों लेते हो? फ्री कर दो, हम फ्री पढ़ना चाहते हैं। और तो कह रहे हैं कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मैं दे रहा हूँ प्रतिवर्ष। झूठ! इस देश का प्रधानमंत्री, मैं प्रकारांतर से प्रधानमंत्री को नहीं उसकी पॉलिसी को क्रिमिनलाइज, मैं पूरा सिस्टम को क्रिमिनलाइज कहता हूँ। दर्ज करे कोई करने वाला मुकदमा, दर्ज करे इसकी जेल की चूलों को हिला दूंगा। ये हिंदुस्तान चलेगा? ये हिंदुस्तान लुटेरों का मुल्क चलेगा? कौन कहता है कि 2 करोड़ को बेरोजगार दिया है? सारी नेशनलाइज इंस्टीट्यूशन, सारे PCU जिसने बेच दिया है, एक सलामती PCU हो तो हमको बताइए। हमसे कहेगा हम लोगों से, हम लोग पेट की अतड़िया हम लोग की नहीं रह गई है और हम लोग कहाँ जीवन की तलाश करेंगे? और हम कह रहे हैं कि शिक्षकों को वेतन 9,000 कौन देता है? जालिम, किस जालिम का ये काम है? क्यों नहीं वो जालिम बराबर का वेतन देता है जब शिक्षा से इतने लोगों से काम ले रहा है तो? और हिम्मत है नहीं देगा? और उस कुर्सी पर क्यों बैठा हुआ है? क्यों नहीं छोड़ के भाग जाता है? हमारे टैक्स से शानो शौकत का जीवन जीता है, ऐश्वर्य से रहता है, डबल ट्रिपल सुरक्षा लेता है, वो Z श्रेणी+ की सुरक्षा लेता है और हम जो कमा के उसको देते हैं, ये सृजन कर रहे हैं समाज के। इनके बाप का मुल्क है, इनके बाप का खजाने का कोष है, खजाने का कोष है वो लोगों के टैक्स के पैसे का है। ये चरने वाले हिंदुस्तान के डकैत क्या करना चाहते हैं? इस मुल्क को क्या करना चाहते हैं? आज गांधी जयंती है, आज उस महान सत्य और अहिंसा के प्रतीक पुरुष का जन्म है। दुनिया गांधी को तलाश रही है, दुनिया अपने देशों में गांधी की प्रतिमा खड़ा करा के गांधी का मुल्क बनना चाहती है और हम गांधी को कत्ल करते हैं? हम गोडसे को दफन करने आए हैं, हम गोडसे को पूरी तरह दफन करेंगे। ये गोडसे ही है कि 9,000 रुपया वेतन मिलता है शिक्षक को? कौन बेईमान 9,000 रुपया वेतन देता है यार? कौन देता है? और कहाँ लिखा है संविधान की किताब में, कॉन्स्टिट्यूशन की बुक में कहाँ लिखा है? इक्वलिटी लिखा है, राइट टू इक्वलिटी है। इन बेईमानों का जुर्म देख लीजिए कि प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर, विधायक और सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 1 रुपया गाड़ी पर अपने टोल टैक्स नहीं देता और लोगों की गाड़ी पर टोल टैक्स लेता है। जमीन हमने दिया, सड़कें हमने बनाई, पैसा हमारा। ये बेईमान क्रिमिनल है कि क्या है? ये अनुशासन कहाँ से पढ़ के आए हैं? ये हमारे बीच के गए, हमारे घरों के, इनको इनके माता पिता ने कहा है कि तुम हाथ जोड़ के वोट की कसम खा के और सेवा की कसम खा के जाना और तुम पतन कर देना इस मनुष्यता का। ये क्यों करते हैं? इनके टोल के अड्डे को तोड़ दूंगा जिस दिन चलूंगा, आपके चैनल से बताना चाहता हूँ, इन सबको बता चुका हूँ। अकेला इसके डकैतों का अड्डा, टोल, डाका, टैक्स, डकैतों के अड्डे खोले हुए हिंदुस्तान के अंदर, उसको ध्वस्त कर दूंगा। अभी तो इनसे कहता हूँ कि टोल वापस कर लें और खाने पीने के सामान पर GST वापस कर लें। आए 9,000 वेतन, इन 9,000 वेतन का मैं हिसाब ले लूँगा। आज तो ये लोग आए हैं, इनसे बात करिए आप, ये जैसा कहेंगे, ये कहेंगे तो प्रेसिडेंट के दरवाजे पर 9,000 कैसे कोई देगा यार? कैसे कोई 9,000 देगा? इनसे बात करिए आप। बहुत बहुत धन्यवाद सर, क्या कहना चाहेंगे सर? आपको लात मार देगा कोई, आप करिए ना लीजिए, कहाँ सोए थे? चलिए सी, क्या कहना चाहेंगे सर, इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं सर? जब देश गुलाम था और अंग्रेजों के द्वारा जब इस देश के नागरिकों का शोषण और अत्याचार हो रहा था,
तो गांधी जी ने इस देश को आज़ाद कराने का बीड़ा उठाया और देश आज़ाद हुआ। लेकिन कभी कभी तो समझ में नहीं आता है, हालांकि उस समय हम लोग नहीं थे, लेकिन कि अंग्रेज़ों का शासन इससे अच्छा था, कम से कम नियम कानून थे, अनुशासन था। लेकिन आज तो अंग्रेज़ों के शासन को भी लोगों ने पार कर दिया है। न आप इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात मानोगे, न सिंगल बेंच का आदेश मानोगे, न डबल बेंच का आदेश मानोगे, न सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानोगे, तो आप ये सब व्यवस्था देश में बनाए क्यों हो? ये बंद करो, किसके आँख में धूल झोंक रहे हो? अपनी सरकार 19 मई 2017 को भारतीय जनता पार्टी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से मुख्यमंत्री जी का फोटो लगा के ट्वीट हुआ कि अनुदेशकों के अच्छे दिन आ गए और इनको 17,000 रुपया मिलेगा। आज लगभग 6.5 साल होने जा रहे हैं, आज तक ये सरकार हमारा 17,000 नहीं दी। हमने इलाहाबाद जीता, सिंगल बेंच जीता, डबल बेंच जीता, अब सुप्रीम कोर्ट ने भी 14 अगस्त को कहा इस सरकार को कि आप डबल बेंच के आदेश का पालन करिए, लेकिन ये सरकार अभी तक डबल बेंच का आदेश का पालन नहीं कर पाई है। नई शिक्षा नीति जो 29 जुलाई 2020 को लागू हुई, उसमें 5.5 में स्पष्ट रूप से कहा है कि उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों को उनके ही विद्यालय में उनके ही पद पर स्थायी किया जाए। फिर भी उत्तर प्रदेश की सरकार हमको स्थायी नहीं कर रही है, और 9,000 रुपया में, जबकि इस देश में 28 अगस्त 2017 को भारत सरकार का राजपत्र है, 24,000 न्यूनतम मानदेय की बात कही गई है, सरकार उसको भी पालन नहीं कर रही है। तो फिर आप बनाते क्यों हो? ये सब निकालते क्यों हो? खत्म कर दो सुप्रीम कोर्ट, खत्म कर दो हाई कोर्ट, कम से कम कोई उम्मीद तो नहीं लगाएगा। तो शोषण और अत्याचार की पराकाष्ठा को ये उत्तर प्रदेश सरकार पार कर चुकी है सर, और इसीलिए आज गांधी जयंती के अवसर पे हम लोगों ने निर्णय लिया है कि हम लोग प्रत्येक रविवार को यहाँ पर कार्मिक अनशन करेंगे, और तब तक करेंगे जब तक उत्तर प्रदेश की सरकार हमारा सम्मान और हमारा अधिकार वापस नहीं करती है। क्योंकि लगातार, आज से नहीं, जब से सरकार आई है 19 मार्च 2017 से, लगातार अत्याचार और शोषण हमारा कर रही है, और इसीलिए आज हम लोग गांधी जयंती के अवसर पे यहाँ पे हम लोग सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे हम लोग कर्मी कंसल्ट कर रहे हैं, और लगातार ये अनशन चलेगा प्रत्येक रविवार। चूँकि हम विद्यालय के बच्चों का भविष्य बनाने आए हैं, तो हम यदि विद्यालय के दिन करते हैं तो उन बच्चों के साथ खिलवाड़ होगा। इसीलिए हम लोगों ने निर्णय लिया है जिस दिन हमारी छुट्टी होगी रविवार को, उस दिन हम लोग यहाँ कर्मी कंसन करेंगे, क्योंकि उन विद्यालय के बच्चों का भी भविष्य हमको बनाना है, उनसे भी प्यार है। इसीलिए हम लोग छुट्टी के दिन एक कार्यक्रम करेंगे, और तब तक करेंगे जब तक हमारा सम्मान और हमारा अधिकार वापस नहीं सरकार देती है। तो आप देख पा रहे हैं जो शिक्षक समाज में छात्रों के जीवन को बचाने और बनाने का काम करते हैं, आज उन्हीं के साथ छलावा देखने को मिल रहा है। क्या कहना चाहेंगी, कब तक न्याय मिलेगा आप लोगों को? क्या लग रहा है मैम, न्याय कब तक मिलेगा? कुछ आसार लग रहे हैं न्याय मिलने का? आस अपनों से की जाती है, और बार बार, एक बार नहीं सैकड़ों बार विनती की गई, प्रार्थना की गई, बाल हट किया गया माननीय जी से, किंतु लगता है उन्हें हमारी पीड़ा दिखाई नहीं देती। हम क्या ऐसा करें माननीय प्रधानमंत्री महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जिससे आप जाग जाएंगे, जिससे आप हमारी पीड़ा को समझ पाएंगे? क्योंकि अब तो सच पूछिए तो अब तो आवाज़ में उतनी ताकत भी नहीं लगती। राम को कारावास में वनवास मिला 14 वर्ष का, हमने अपने जीवन का 10 वर्ष दे दिया। माननीय, हम आपसे सिर्फ यही एक प्रश्न करना चाहते हैं, एक लाइन कह के लंका पर विजय प्राप्त कर ली श्री राम ने, आप उन्हीं के अनुयायी हैं, आप उन्हीं के वंशज हैं, वही एक लाइन सिर्फ मैं आपसे पूछना चाहूँगी, का चुप साध रही बलवाना? आपके हाथ में ही सब कुछ है, आपका देश, आपका प्रदेश, आपके बच्चे हम। तो एक यही प्रश्न माननीय आपसे हाथ जोड़ करके कि का चुप साध रही बलवाना, कि आप समर्थ हैं और आप इस पीड़ा को कब समझेंगे? क्योंकि अब तो आवाज़ भी मध्यम पड़ने लगी है, और जो बच्चे छोटे थे हम लोगों के, वो प्रश्न करने लगे हैं कि माँ तू जाती क्यों है? तो उन प्रश्नों का उत्तर माननीय मैं आपसे चाहती हूँ कि आप कृपया बताएं कि हम कब तक इस पीड़ा को सहन करें। हमको आश्वस्त कीजिए कि आपने जो आस दिलाई है वो पूरी होगी, अथवा ऐसे ही निराशा के सागर में हम सभी, प्रदेश के अनुदेशक, प्रदेश आपका है, हम सभी
सभी चाहते हैं देश का विकास हो, लेकिन इस तरह विकास कैसे होगा माननीय? मेरा प्रश्न यही बार बार आपसे जब भी मुलाकात हुई तब भी मैंने पूछा कि का चुप साध रही बलवाना, आप समर्थ हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, न्याय हमें भी मिले। चलिए देखना होगा अब इन शिक्षकों को न्याय कब मिल पाता है। बाकी आपका क्या विचार है शिक्षकों को लेकर के, इनके मानदेय को लेकर के, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कैमरे के पीछे से हमारा सहयोग कर रहे थे शिवम पाटर जी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।